हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम प्रिया है और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मिशन यूपीएससी सीएससी में। एक बार फिर एक नया और बहुत ही बेहतरीन इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी को सुन के अच्छा भी लगेगा कि भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 43 और भी ऐसे एप्स है जिनको बैन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये समझेंगे कि ये जो टॉपिक है ये आपके कौन कौन से पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आपके कौन से जीएस पेपर को ये टॉपिक कवर करता है। और इसके अलावा हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि इसको बैन करने से कौन कौन सी बेनिफिट्स हुई हैं, कौन कौन से इसे जो नुकसान है वो भी हमारे कंट्री में, या फिर हमारे देश के जो यूजर्स थे जो उन एप्स का इस्तेमाल कर रहे थे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बातें रही है। ठीक है, तो सारी चीजों को समझेंगे। इनफैक्ट आप लोग भी अगर इनमें से किसी ऐप का इस्तेमाल करते थे और उससे होने वाली कोई प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है गाइस, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ क्लियरली कि ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये मेरे अनअकैडमी आईडी की लिंक है गाइस। इस लिंक से आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मुझे फॉलो करने से क्या बेनिफिट होगा, शाम को 6 बजे जो स्पेशल क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लगाती हूँ उन क्लासेस की आप लोगों को अपडेट हमेशा मिल जाएंगी। आज की जो स्पेशल क्लास है गाइस वो मैं एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जो आपका प्रैक्टिस सेशन जो है उसके लिए मैं लेके आई हूँ। 2021 आपका अगर टारगेट है यूपीएससी में तो जरूर ये शाम का 6 बजे का स्पेशल सेशन आप अटेंड करिए। ठीक है, ये जो स्पेशल सेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है गाइस। इसके लिए कोई चार्ज, कोई पेमेंट आपको देना नहीं है। ठीक है, और इस स्पेशल सेशन को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड डालना होगा प्रिया 11। ठीक है, बहुत ही छोटा सा नाम है मेरा प्रिया, है ना, कैपिटल लेटर्स में आपको लिखना है प्रिया और उसके आगे 11 आपको लगाना है, प्रिया 11। जैसे ही आप लगाते हैं आप लोगों को पूरा 10% का डिस्काउंट प्लस कोर्सेज में भी मिलता है और ये शाम को 6 बजे का सेशन जो है वो अनलॉक हो जाता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये स्पेशल सेशन, इसके लिए चार्ज नहीं पे करना। ठीक है, दूसरी चीज गाइस मैं बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका टारगेट है 2021 में यूपीएससी या कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम को क्लियर करना, बैंक, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मुझे प्लस पे भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। प्लस पे कई सारी बेनिफिट्स आप लोगों को मिलती हैं, जैसे कि डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए चलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आप लोगों के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में दी जाती है। इसके अलावा लाइव टेस्ट और क्विजेस कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि आप अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकें। ठीक है, रेगुलर मॉक टेस्ट और जो क्विजेस है उनके हिसाब से आप लोगों को ये पता चल पाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसकी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं, आपके कौन से एरियाज वीक है, कौन से एरियाज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, किस चीज पे आपको फोकस करना है, ये सारी चीजें आपको सिर्फ टेस्ट और क्विजेस के थ्रू पता चल पाता है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अहम जो है भूमिका निभाता है किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं गाइस। अनलिमिटेड एक्सेस भी आपको मिलता है, इसका ये मतलब है कि कोई भी सेशन किसी भी टाइम पे लगाया गया हो आप वो सारे के सारे सेशंस जो है वो अटेंड कर सकते हैं आप अपने कंफर्ट के हिसाब से। जैसे मान लीजिए 2 बजे कोई सेशन लगा, आप कंफर्टेबल नहीं है तो वो सेशन आप रिकॉर्डेड मोड में कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गाइस 14,000 से भी ज्यादा इंडिया के टॉप लेवल के एजुकेटर्स हैं जो आप लोगों को मेंटर करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। और इसके साथ साथ सारे के सारे पीडीएफ जो हम लोग लगाते हैं उन सभी पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर इनमें से आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे स्पेसिफिकली यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप लोग मेरे रेफरल कोड को यूज कर सकते हैं प्रिया 11। जैसा कि मैंने बताया, इस रेफरल कोड को यूज करने से गाइस 10% आपको इंस्टेंटली
सारे कोर्सेज में डिस्काउंट मिल जाएगा। और 2021 बिकॉज आप लोगों का ऑलरेडी 2020 का रिजल्ट आ चुका है, मेंस एग्जाम जनवरी में होने वाला है, ठीक है, तो जल्दी ही आपका 2020 का भी प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है। तो इससे पहले एग्जाम आए, आप लोग अगर घर पे बैठ के इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम पे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो इस कोड को यूज करके, आप मेरा रेफरल कोड को यूज करके सारे कोर्सेज जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है गाइस। इसके अलावा मैं बता दूं, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और उससे जानकारी आप ले सकते हैं। अगर आप लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं तो अनअकैडमी.com ओपन करके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है गाइस। अनअकैडमी पे प्लस के साथ साथ आइकॉनिक कोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, 6 months, 12 months, 24 months, है ना। तो सबसे बेहतर तो आप लोगों के लिए होगा कि आप 24 मंथ्स का जो है कोर्स ले ले, बिकॉज आप सबको पता है यूपीएससी का वास्ट सिलेबस होता है और इस वास्ट सिलेबस के साथ ये मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता कि 12 मंथ्स में सारी चीजें आप सही तरह से कवर अप कर पाओ, स्पेशली जब आप बेसिक्स से शुरू कर रहे हो तो 24 मंथ्स का जो है सही रहता है, ताकि आप एक बार जो है सारी चीजों को कवर करो और दोबारा जब आप तैयारी करो तो वो चीजें आपकी रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ये रिविजन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट चीज है यूपीएससी की जब आप तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है 24 मंथ्स का सही है, वैसे यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से कोर्सेज ले सकते हो, ठीक है। ये जो आइकन दिख रहा है गिफ्ट आइकन, यहाँ पे आपको रेफरल डालना होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप रेफरल डालते हो 10% आपको ऑफ मिल जाएगा। ओके लर्नर्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बात करेंगे 43 मोबाइल एप्स जिनको बैन कर दिया गया है इसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले करंट में क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि अभी अभी भारत सरकार जो है उसने 43 नए मोबाइल एप्स, जो कि ज्यादातर जिनमें से एप्स चाइनीज थे, उसको बैन कर दिया गया है, जिसमें एक शॉपिंग वेबसाइट भी इंक्लूडेड था जिसका नाम था अली एक्सप्रेस। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो जरूर इस चीज को आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, ठीक है। दिस इज इन एडिशन टू अ टोटल ऑफ 177 चाइनीज एप्स बैंड टिल नाउ, ठीक है। अभी तक भारत सरकार ने 177 अलग, इसके अलावा और भी कई सारे चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया है, और 177 के अलावा अभी रिसेंटली 43 और भी चाइनीज एप्स जो है उनको भी बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें क्या है, इस पे फोकस करना है हमें। सबसे पहली चीज पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जीएस पेपर 3 में आपका इंक्लूड होता है, जीएस पेपर 2 में ये टॉपिक आपका इंक्लूड होता है, जीएस पेपर 2 में आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, ठीक है। ठीक है, और इसके अलावा आपका आईटी एंड कंप्यूटर का भी ये एक टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं ऐसे की, तो ऐसे में भी कई बार इससे रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चंस जो न्यूज में होते हैं उस तरह की चीजें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंड दिस मोबाइल एप्स अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ठीक है। जो आईटी एक्ट था 2000 का, उसी के सेक्शन 69 कैपिटल ए के तहत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन 43 एप्स को बैन कर दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सेक्शन 69A, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 एंड तीसरा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये तीनों चीजों पे फोकस डालना है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज इन चीजों को शॉर्ट में, कंसाइज फॉर्म में आप नोट करके रखिए, ठीक है गाइज। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं सेक्शन 69 कैपिटल ए ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 वॉज इंक्लूडेड बाई एन अमेंडमेंट टू द एक्ट इन 2008, ठीक है। तो सेक्शन 69 कैपिटल ए जो है आईटी एक्ट का, उसको एक अमेंडमेंट के थ्रू जो कि 2008 में हुआ था, उसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इट गिव्स द सेंट्रल गवर्नमेंट द पावर
टू ब्लॉक द पब्लिक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वेदर ऑन द वेबसाइट्स और मोबाइल एप्स। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 69A है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये परमिशन देती है कि कोई भी पब्लिक एक्सेस हो किसी भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, मोबाइल एप्स की हो या वो किसी वेबसाइट की हो, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, ये पावर 69A के तहत आईटी एक्ट 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। ठीक है, नाउ अंडर 69A सेक्शन 69 कैपिटल ए, इफ अ वेबसाइट थ्रेटन्स इंडियाज डिफेंस, इट्स सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन कंट्रीज एंड द पब्लिक ऑर्डर, द गवर्नमेंट कैन बैन इट आफ्टर फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस। ठीक है, तो सेक्शन 69 कैपिटल ए के अंदर अगर कोई वेबसाइट इंडिया के डिफेंस या उसकी सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे खतरा बनती है, या फिर किसी भी तरह से इंडिया की सॉवरेनिटी, उसकी इंटीग्रिटी और उसके डिफेंस को नुकसान पहुंचाती है, या फिर उसके जो फ्रेंडली रिलेशंस है दूसरी कंट्रीज के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ, पब्लिक ऑर्डर को अगर वो नुकसान पहुंचाती है, तो गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर ऐप या वेबसाइट को बैन कर सकता है ड्यूओ प्रोसीजर को फॉलो करके। ठीक है, ड्यूओ प्रोसीजर क्या होता है गाइस, ये एक तरह का लीगल रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट जो कि स्टेट्स जो है जितने भी लीगल राइट्स होते हैं जो किसी पर्सन को दिए जाते हैं उनके रिस्पेक्ट में स्टेट्स डिसीजन लेते हैं और उनके रिस्पेक्ट में सारी चीजें लीगल जो होती हैं वो रिक्वायरमेंट्स ये डिटेल में समझाते हैं। ठीक है, द डिटेल्ड प्रोसीजर्स टू डू सो आर लिस्टेड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड्स फॉर द ब्लॉकिंग एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रूल्स 2009। ठीक है, जो डिटेल्ड प्रोसीजर है इस पर्टिकुलर एक्ट का वो इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड जो कि इंफॉर्मेशन जो पब्लिक रूल्स के लिए होती है 2009 में, उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशनड है और लिस्टेड है। ठीक है, तो क्या रीजन रहा था जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इन एप्स को बैन कर दिया, इसके बारे में समझना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, द एक्शन वॉज टेकन बेस्ड ऑन द इनपुट्स रिगार्डिंग दिस एप्स फॉर एंगेजिंग इन एक्टिविटीज विच आर प्रेजुडियल टू सॉवरेनिटी and integrity of India, the defense of India, the security of the state and the public order. ठीक है, तो ये जो एक्शन भारत सरकार ने लिया है वो कई सारे इनपुट्स को ध्यान में रखते हुए लिया था, क्योंकि ये जो एप्स थे उनकी वजह से इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी, इंडिया की डिफेंस और उसकी सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर पे किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंच रहे थे, और चाइनीज जो है उनके इन्फ्लुएंस को कम करना चाहती थी भारत सरकार। ठीक है, सो द गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड मेनी कंप्लेंट्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज अबाउट द मिसयूज ऑफ सम मोबाइल एप्स अवेलेबल ऑन द एंड्रॉइड एंड iOS platforms for stealing and transmitting the users' data in an authorized manner to serve which has locations outside India. ठीक है, government ने कई सारे ऐसे complaints को receive किए हैं कई सारे sources से जो ये बताते हैं कि ये जो mobile apps है इनको कैसे misuse किया जा रहा है, जो कि Android या कई तरह के iOS platform पे available हैं, या तो किसी चीज को, किसी data को steal करने के लिए, या फिर किसी data को जो है चुरा के किसी और को वो डेटा फैलाने के लिए, या फिर किसी ना किसी तरह से अनऑथराइज तरीके से जो यूजर्स हैं उनको जो है नुकसान पहुंचाना, या फिर उनकी प्राइवेसी को हैम्पर करने का काम ये एप्स कर रही थी। ठीक है, इसके अलावा इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आल्सो गेव अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ दीज एप्स। ठीक है, तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, इसने भी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दी थी जिसमें ये बताया गया था कि ये जो एप्स हैं इनका काफी ज्यादा मिसयूज किया जा रहा है, डेटास को यूज किया जा रहा है किसी दूसरे पर्सन के लिए, या फिर उसको ट्रांसमिट किया जा रहा है, डेटा को चुराया जा रहा है अनऑथराइज्ड तरीके से, तो इसके लिए मिसयूज इन एप्स का किया जा रहा है। ठीक है, नाउ इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसको बैन करने से, ये जो मोबाइल ऐप है अगर ये बैन कर दिया गया तो इसका क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, द डिसीजन टू बैन दीज एप्स
which comes amid continuing the tensions between India and China is a clear message from India that it will no longer be a victim of Chinese nibble and negotiate policy and will review the norms of the engagement. ठीक है, तो ये जो decision है इन apps को ban करने का, जो कि India और China के बीच जो पहले से ही tensions चली आ रही हैं उनको और ज्यादा बढ़ा देगा, लेकिन India ने अपनी तरफ से साफ ये message दे दिया है कि ये किसी भी तरह का जो चाइना का निबल और नेगोशिएट पॉलिसी है उसका अब ये शिकार नहीं बनने वाला है और जितने भी नॉर्म्स है उसके एंगेजमेंट के वो इसके बारे में भी रिव्यू करने वाला है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द बैन में अफेक्ट वन ऑफ चाइनाज मोस्ट एम्बिशियस गोल्स, नेमली टू बिकम द डिजिटल सुपर पावर ऑफ द 21st सेंचुरी. ठीक है, तो चाइना की एक जो एम्बिशियस गोल थी जिसमें उसने ये टारगेट रखा था कि 2021 तक हमें डिजिटल सुपर पावर बनना है, इस स्टेप की मदद से चाइना का ये जो प्लान था इसके ऊपर पानी फिर गया है. ठीक है, इट विल प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन एंटरप्रेन्योर्स टू क्विकली राइज टू फिल मार्केट गैप्स. दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट इनिशिएटिव फॉर द आत्मनिर्भर भारत मिशन. ठीक है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज देने वाला है जितने भी इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स हैं, ताकि मार्केट में जितने भी गैप्स हैं जो कि चाइनीज प्रोडक्ट से फिल थी उनको वो कैप्चर कर सके और उनको वो अपने इंडिया के प्रोडक्ट से फिल कर सके. साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए भी ये स्टेप काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है और उसके थ्रू भी काफी ज्यादा ये इनिशिएटिव सामने आने वाला है. ठीक है, आफ्टर द इनिशियल बैन्स ऑफ द ऐप द गवर्नमेंट लॉन्च द डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इनोवेट द चैलेंज टू एनकरेज इंडियन एप्लीकेशन डेवलपर्स एंड इनोवेटर्स एंड फैसिलिटेट देयर आइडियाज एंड द प्रोडक्ट्स. ठीक है, ये जो इनिशियल बैन है इन सभी एप्स के, इसके थ्रू गवर्नमेंट जो है वो डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत इनोवेटिव चैलेंज को लॉन्च करने वाला है ताकि इंडियन एप्लीकेशन डेवलपर्स एनकरेज हो सके और साथ ही साथ इनोवेटर्स और जितने भी आइडियाज और प्रोडक्ट्स हैं उनको फैसिलिटेट कर सके और इनोवेटर्स को डेवलप कर सके. ठीक है, सो कंक्लूजन क्या है गाइस इसका, द वर्ल्ड टुडे रिकॉग्नाइजेस दैट द नेक्स्ट सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लाइज इन द डिजिटल इकोनॉमी एंड गिवन इट्स रॉ मटेरियल बीइंग डेटा देयर बाय whoever builds the electronic backbone will have enormous advantages over everyone else. ठीक है, तो आज की जो दुनिया है उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो आगे आने वाला टाइम है इकोनॉमी हमारी जो बढ़ने वाली है उसका एक सोर्स जो है डिजिटल इकोनॉमी होने वाला है और इसका जो रॉ मटेरियल है वो डेटा है. डेटा को इस्तेमाल करके काफी ज्यादा हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है और जो भी चाहे वो कोई एंटरप्रेन्योर हो चाहे बिजनेसमैन हो, अगर वो अपना बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक से शुरुआत करता है, अगर बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स में रखता है, तो आगे चल के वो बाकी सबके कंपैरिजन में काफी ज्यादा जो है ग्रो करने वाला है. ठीक है, सो इंडिया मस्ट स्पीड अप इंडिजिनाइजेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फ्रेम अप अ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर टू क्लेम डेटा सोवरेनिटी. ठीक है, तो इंडिया को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना स्वदेशीकरण को बढ़ाए, रिसर्च और डेवलपमेंट R&D करे और एक रेगुलेटरी और आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क बना सके ताकि डेटा हमारी जो है इंडिया की वो सोवरेनिटी डेटा में हासिल कर सके हम. ठीक है गाइस, सो ओवरऑल ये था, आई होप आपको सेशन आज का बहुत बढ़िया लगा. एक बार सारी चीजें प्रॉपरली गो थ्रू करिएगा. पहले ही मैंने बता दिया GS Paper 3, GS Paper 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन IT एंड कंप्यूटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये आपका करंट का न्यूज है, इसको प्रॉपरली पढ़िएगा. ठीक है, सो लर्नर्स जाने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं, ये जो लिंक आप देख रहे हैं ये मेरे अनअकैडमी ID की लिंक है, यहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं. स्पेशल क्लासेस एंड प्लस क्लासेस में आप लोगों के लिए शाम को 6 बजे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं स्पेशल क्लासेस लगा रही हूँ. इन क्लासेस को आप गो थ्रू कर सकते हैं इजिली, आप अपने प्रैक्टिस सेशन को 2021 के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी लेवल डे बाई डे इम्प्रूव हो सके. ये जो फ्री क्लास है गाइज, इसको अनलॉक
आप करने के लिए आपको मेरा रेफरल यूज करना होगा, प्रिया 11, ये मेरा रेफरल कोड है। इसको यूज करके आप ये क्लास अनलॉक करके और इस क्लास को अटेंड कर पाएंगे। शार्प शाम को 6 बजे लाइव में आप लोगों से मिलने वाली हूँ। इसके अलावा मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ, प्लस कोर्सेज आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगी बहुत ही जल्द। आप लोगों के लिए प्लस कोर्सेज लेके आने वाली हूँ और मेरे इकोनॉमिक्स के आप लोगों के लिए जो है जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स के मेरे जो कोर्सेज है वो भी आप लोगों के लिए मैं यूट्यूब पे भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो को इसी के साथ साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, आज का सेशन अच्छा लगा हो, कमेंट करके जरूर बताइए कोई ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि हम वीडियोज लेके आए, ठीक है गाइज, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए काफी ज्यादा मैटर करती है। इसी के साथ जाने से पहले थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सभी यहाँ पे मेरे साथ बने रहे, मेरे साथ जुड़े रहे, आप लोगों ने अपना इंपॉर्टेंट टाइम यहाँ पे मुझे दिया। जाने से पहले एक और चीज आपको बता दूं कि ये जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इस बेल को आपको दबा देना है। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो आपको सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी। प्लस कोर्सेज में मेरे कोर्सेज को सब्सक्राइब करने के लिए आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं प्रिया 11। इस रेफरल कोड को यूज करने से 10% डिस्काउंट सारे कोर्सेज में मिलेंगे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, एसएससी, बैंकिंग एक्सेट्रा, ठीक है गाइस। सो फिर से मिलते हैं शाम को 6 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।